वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो यार आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सुपर हीरोज के बारे में। वैसे मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, पर तब में और अब में बहुत ज़्यादा फर्क है। तब जो सुपर हीरो की रैंकिंग 5-6 पे थी, वो आज नंबर 1-2 पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और उसके पहले आई कुछ मूवीज ने सब कुछ बदल दिया। तो चलो यार इस रैंकिंग को शुरू करते हैं, पर मैं हाँ आपको 2-4 चीज़ें बता देना चाहूँगा इस रैंकिंग को शुरू करने से पहले, जो कि है कि इस रैंकिंग में मैंने सिर्फ उन्हीं हीरोज को कंसिडर किया है जो कि अर्थ के ऊपर बैटल कर चुके हैं, यानी कि गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी इस लिस्ट का पार्ट नहीं होंगे, और भी बाकी स्पेस के हीरोज जिसने भी अर्थ पर लड़ाई की है वो इसके अंदर ज़रूर होगा। तो चलो यार बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हम इस लिस्ट को नंबर 10 के साथ। तो नंबर 10 पे आता है एंटमैन। तो एंटमैन के पास एमसीयू के कुछ सबसे ज्यादा पावरफुल और इनहेंस सूट में से एक है, जो कि उसे छोटा और बड़ा कर सकता है, जो कि हैंक पिम की टेक्नोलॉजी है। लेकिन अभी एंटमैन हमारा स्कॉट लैंग है, और उसका ये जो सूट है वो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देता है, जिसके कारण वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसके छोटे होने की एबिलिटी के बाद उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना लगभग मुश्किल ही हो जाता है। ऊपर से जब उसने नया नया ही एंटमैन वो बना था, तभी उसने फैल्कन जैसे अवेंजर को हरा दिया था, जो कि काफी वक्त से फैल्कन बना हुआ था। और अगर उसका छोटा होना काफी ना हो तो वो बड़ा भी हो सकता है, जिसका हमने अच्छा खासा नमूना देखा था सिविल वॉर में। वैसे हमने एंटमैन एंड द वास्प में भी उसे बड़े होते हुए देख रखा है, जो कि सिविल वॉर वाले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा था, पर वहां पे उसने किसी के साथ बैटल नहीं की, तो हम उसे दूसरी तरफ रखते हैं और कंसिडर करते हैं सिविल वॉर वाली बैटल। उसमें उसने सच में कमाल कर दिया था, और वहाँ पे वो ब्लैक पैंथर और वॉर मशीन जैसे सुपर हीरोज पे आराम से बाहर ही पड़ रहा था। तो चलो अब बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पे है हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद, स्पाइडरमैन होमकमिंग और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आने के बाद, वो आगे भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जैसी अपनी मूवीज में काम कर रहा है। भले ही टॉम हॉलैंड कर देते हैं सब कुछ लीक, पर हमारा स्पाइडरमैन नहीं है बिल्कुल भी वीक। उसने अपनी स्टार्टिंग के ही फाइट में बहुत ही ज्यादा आराम से कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरो के साथ अच्छी खासी फाइट की थी, पर वो अलग बात है कि हमें टोनी आगे बताता है कि अगर कैप्टन अमेरिका उसे मारने के लिए वहाँ पे खेल रहे होते और उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत दिखाते तो वो आराम से हार जाता। पर फिर भी अपनी सुपर हीरोज के साथ फर्स्ट बैटल में कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरो के साथ इतनी खतरनाक लड़ाई करना किसी आम की तो बात नहीं। उसके ऊपर से वो विंटर सोल्जर और फैल्कन जैसे पे भारी था, और उसने तो जाइंट मैन तक को हरा दिया था। लेकिन उसको इस लिस्ट में इस पोजीशन पे लाने में सबसे बड़ा हाथ है उसकी स्पाइडर सेंस का, जो कि सच में बहुत ज्यादा है, और वो एंटमैन की सेंस से भी काफी ज्यादा है, और उसके पास तो मकड़ी घंटी भी है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण वो आता है नंबर 9 पे। अब बढ़ते हैं हम नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे है विजन। तो विजन का कैरेक्टर मुझे हमेशा से कंफ्यूज करते आ रहा है, कभी उसे दिखा देते हैं ओवर पावर्ड तो कभी उसे दिखा देते हैं बहुत ही ज्यादा कम पावरफुल। जहां मैं बात करता हूँ बहुत ही ज्यादा कम पावरफुल से, तो आप समझ गए होंगे कि मैं अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की बात कर रहा हूँ। मुझे विजन को देख कैसा लगता है कि उसके पास एक गन तो है, पर उसे उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं आता, और वो बस उस गन या कहें माइंड स्टोन को लेके बस घूम रहा है। और उसके बाद से जो उसके हमें अच्छी खासी इमेज हम फैंस के सामने बनाई थी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, उससे थॉर का हैमर उठवा के वो पूरी तरह से ड्रॉप हो गई अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जब वो मूवी में हर जगह पिटता हुआ हमें दिख रहा था। पर फिर भी इस पोजीशन पे आना तो उसका बनना ही था, क्योंकि फिर भी उसने माइंड स्टोन को पूरी तरह से कंट्रोल भले ही ना पाया हो, पर उसका काफी हद तक कंट्रोल पा लिया था, और अपनी शेप को भी शिफ्ट कर पा रहा था। शेप शिफ्टिंग से मेरा मतलब है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म तक में आ पा रहा था, जो कि सच में काफी कमाल की बात है। उसके ऊपर से वो एनर्जी ब्लास्ट और थोड़ी सी अपने मॉलिक्यूल्स के साथ वाइब्रेशन करके चीजों के आर पार जैसी जाने वाली चीजें तो बहुत ही आराम से कर सकता है। पर अब तो बेचारा वो पता नहीं जिंदा भी बचेगा या नहीं, और माइंड स्टोन के चले जाने के बाद तो उसकी आधी से ज्यादा पावर सी कम हो जाती हैं, तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे मार्वल। तो अब हम बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। तो मुझे पता है आप में से बहुत ज्यादा लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे कि मैंने इस कैरेक्टर को नंबर 7 पर क्यों रखा है, पर यार मैं और कुछ नहीं कर सकता था। तो नंबर 7 पे है कैप्टन अमेरिका, जो कि अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, फर्स्ट अवेंजर कह लो। एक ऐसा इंसान जो कि बस अपनी ऑनेस्टी के ऊपर टिका रहा, और उसी ऑनेस्टी ने और उसके थोड़े बहुत लक ने उसे एक 4 फुट 2 इंच के बंदे से बना दिया 6 फुट 2 इंच का, जिससे उसे बहुत सारी पावर्स मिली, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना, और सबसे खतरनाक तो मुझे लगता है जो कि वो कॉम्बैट करते हैं, उन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आना लगभग नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो उन्होंने आयरन मैन के सूट तक को डैमेज कर दिया था। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि उस लड़ाई में कैप्टन अमेरिका ज्यादा शक्तिशाली थे, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आयरन मैन बस बकी को मारना चाहता था, ना कि कैप्टन अमेरिका को, इसीलिए उसके ज्यादातर अटैक फोकस्ड थे बकी के ऊपर, और वो बस कैप्टन अमेरिका को साइड करना चाहता था,
बाकी अपने कैप्टन अमेरिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उसके बाद से इन्फिनिटी वॉर में भी उनकी जो पावर थी वो सच में काफ़ी अच्छी खासी दिखाई गई हमें, और उसमें तो ब्लैक ऑर्डर के मेंबर से आराम से भिड़ रहे थे और उन्होंने थैनोस के 2.5 किलो का हाथ भी उठा लिया था। अब बढ़ते हैं हमारे इस लिस्ट के नेक्स्ट मेंबर की तरफ, जिसका नाम सुनते ही आप मुझसे एग्री करोगे कि हाँ यार, ये लिस्ट के बाकी अभी तक बताए सभी मेंबर्स को तो आराम से हटा सकता है, जो कि अपना हरा भरा दानव यानी कि हल्क। भले ही हल्क अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से हार गया हो, पर उससे उसकी पोजीशन नीचे नहीं जाती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। चाहे वो हो इतनी बड़ी चित्तौरी शेप जिससे सब घबरा रहे थे उसे एक पंच में ढेर कर देने की बात, या अल्ट्रॉन जैसे को एक पंच में उड़ा देने की, हल्क अपना सब कुछ कर सकता है। पर मार्वल वालों को उससे पता नहीं क्या दिक्कत है, उसे हर मूवी में कमजोर करते जाते हैं, और जिसे भी ज्यादा पावरफुल दिखाना होता है वो उसकी लड़ाई हल्क से करवा के उसे जितवा देते हैं, जैसा कि हमने थैनोस के केस में देखा, और पहले हल्क बस्टर और थॉर। पर चलो कोई बात नहीं, हम हल्क के फैंस तो अभी भी यही विश कर रहे हैं कि मार्वल वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को ले आए, और इसी विश के साथ हम बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पे है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सच में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया, जो कि है स्कारलेट विच। हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर तक स्कारलेट विच को ज्यादा कुछ करते हुए नहीं देखा था, बस कुछ 2-4 टेलीकिनेसिस के स्टंट्स, और उसके बाद 2-4 लोगों को मैनिपुलेट किया था, आयरन मैन का सूट इमोबिलाइज किया था, और भी बस ऐसे छोटी मोटी चीजों को कंट्रोल। पर हमें ये अंदाज तो हो गया था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसकी स्ट्रॉन्गनेस का नमूना हमें देखने को मिल भी गया है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जहां उसने एक इन्फिनिटी स्टोन को दबा कर दिया। मतलब सच में एक इन्फिनिटी स्टोन, अगर हम बात करें कॉमिक्स की तो वहां पे तो इन्फिनिटी स्टोन्स इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, यानी उन्हें तबाह नहीं किया जा सकता, पर मूवीज में स्कारलेट विच ने ऐसा किया, और शायद ऐसा वो इसलिए कर पाई क्योंकि उसको भी अपनी पावर्स जो थी वो माइंड स्टोन से ही मिली थी, और ऊपर से हम सिविल वॉर में भी उसे देख चुके हैं कि कितने आराम से माइंड स्टोन को कंट्रोल कर पा रही थी, मतलब विजन से भी अच्छे तरीके से। तो एक इन्फिनिटी स्टोन की पावर को कंट्रोल करना और उसे डिस्ट्रॉय करना उसे इस लिस्ट में नंबर 5 पे बनाने के लिए काफी है, पर अभी तो वो धूल में है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है आयरन मैन। अब आप सोच रहे होगे नंबर 4 पे ये है तो आखिर नंबर 1, 2, 3 किसने लिए रखा है, तो वो वीडियो में बने रहो जानने के लिए। तो अब आयरन मैन कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसके दिमाग का क्या लेवल है वो तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो इंसान एक गुफा में बैठ के आर्क रिएक्टर और एक बढ़िया सा अच्छा खासा चलने वाला सूट बना सकता है, जिसके बारे में आज तक किसी और साइंटिस्ट ने सोचा भी नहीं, वो सोचो अपनी हाईटेक लैब में बैठ के क्या क्या कर सकता है। ऊपर से उसके सूट्स की जो पावर है और जो आइडिया है वो उसे एक अलग ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और वो जो है हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहता है अपने उसी कमाल दिमाग के कारण। जैसे कि उसने हल्क को हराने के लिए हल्क बस्टर, और तो और अगर हम हल्क बस्टर को साइड भी रख दें तो उसके पास एक पूरी आयरन लीजन है जो कि आयरन मैन के सूट से बनी है, जिसे वो वर्चुअली और अपनी एआईज के सहारे कंट्रोल कर सकता है। उसका दिमाग और सूट्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन उसे ले आता है नंबर 4 पे। पर चलो अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे वो है जिसने हम सभी को इतने दिनों से कंफ्यूजन में डाल रखा है कि आखिर वो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में चाहता क्या था, और भी हजारों सवालों के बीच में, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहले तो टाइम को मैनिपुलेट करने की, टाइम को आगे पीछे करने की, टाइम लूप्स बनाने की और टाइम से रिलेटेड अनगिनत पावर्स थी, क्योंकि उनके पास टाइम स्टोन था और वो उस गन को चलाना भी जानते थे, ना कि हमारे विजन बाबू जैसे। लेकिन अब उनसे टाइम स्टोन अगर हम हटा भी दें तब भी उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि अपने मैजिक से कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाने की पावर, कुछ शील्ड्स बनाने की पावर, और वो चाहें तो डार्क एनर्जी से इमोर्टल भी हो सकते हैं अगर चाहें तो, और एस्टल फॉर्म में जाने की पावर, और अलग अलग डायमेंशंस में ट्रेवल करने की पावर। और उनकी इन्हीं सारी पावर्स के कारण हम इतनी सारी थ्योरीज के साथ आजकल रोज रोज आ रहे हैं अवेंजर्स 4 के लिए। पर आखिर अवेंजर्स 4 में होगा क्या, ये तो बस रूसो ब्रदर्स ही जानते हैं, और शायद बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी, पर इन दोनों में से ही हमें कोई कुछ नहीं बताने वाला। तो चलो पढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है एक ऐसी कैरेक्टर जिसे अब तक हमने किसी मूवीज में नहीं देखा है, लेकिन उसे यहाँ पे रखने का कारण आप ही लोग हो, क्योंकि मैंने आप लोगों से वोटिंग ली थी और आप लोगों ने ही ऐसे वोट दिए कि वो नंबर 2 पे है। वो कैरेक्टर है कैप्टन मार्वल। केविन फाइगी की बात माने तो वो है सबसे ज्यादा पावरफुल, पर आप लोगों के माने तो एक एस्गार्डियन गॉड के सामने एक क्री एलियन कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा ही कुछ था आप लोगों का कहना, पर अब वो कुछ भी नहीं है ऐसा कहना तो गलत होगा, क्योंकि हम पहले कैप्टन मार्वल के ट्रेलर्स में देख चुके हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा पावर्स हैं और वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास कितनी अलग अलग वैरायटी की पावर्स हैं, और देख के तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। ऊपर से हमें उसकी पहली मूवी में ही उसकी बाइनरी फॉर्म दिखने वाली है। कुछ फैंस का ऐसा कहना है कि वो अपनी बाइनरी फॉर्म के कारण ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, पर मैं ऐसा कहूँगा कि वो अपनी बाइनरी फॉर्म के साथ थॉर के लेवल की कैरेक्टर बन सकती है, और ये मैं बस अपने मन से ही नहीं कह रहा, बल्कि ये जो है मार्वल के कॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ ऐसा ही है कि जो कैप्टन मार्वल है वो करीबन 50 लेवल की कैरेक्टर है,
और अपनी बाइनरी फॉर्म में जब वो आती है तो वो लेवल 100 में पहुंचती है, जिसमें थॉर और हल्क ऐसे ही हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नंबर वन पे जो है वो सच में डिजर्व करता है नंबर वन पे रहना, जो कि है थॉर। तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद थॉर के साथ जो कुछ भी हुआ उसने उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया और उसे इस चीज़ का भी एहसास करा दिया कि उसका हथौड़ा ही उसके लिए सब कुछ नहीं है, बल्कि असली बिजली की पावर तो वो है। मतलब कि वो हथौड़ा तो बस उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए था, उसकी असली पावर्स तो खुद उसी के अंदर थी, जिसे उसने थॉर रैग्नारोक में जान लिया। और जब उसने जाना तो कुछ इस तरीके से जाना कि लेड ज़ेपेलिन के सॉन्ग इमिग्रेंट सॉन्ग के साथ उसने फैंस को दीवाना बना दिया। पर यहाँ हम फेवरेट की नहीं पावर्स की बात कर रहे हैं। तो पहले जो म्यूनीर उसकी पावर्स के ऊपर कंट्रोल रखता था, वो थॉर को फुली पोटेंशियल पे अपने उन पावर्स को यूज़ नहीं करने देता था, पर अब जब उसका म्यूनीर चला गया था तो वो अपनी पावर्स को खुद में से ही पास होने दे रहा था, जिससे उस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। ये बात तो थी सिर्फ थॉर रैग्नारोक की, पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद तो उसके नंबर वन पे होने पे कोई शक ही नहीं होता। वो है कि जब उसे स्टॉर्म ब्रेकर मिलता है तो वो थैनोस जैसे को हरा पा रहा था। मतलब सच में कमाल की एंट्री थी उसकी वकांडा में। स्टॉर्म ब्रेकर जो है उसे बायफ्रॉस्ट खोलने की पावर दे देता है और भी बहुत सारी पावर्स दे देता है, और ऊपर से वो जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर है उसे भी इन्हेंस कर देता है, और उसके ऊपर से स्टॉर्म ब्रेकर जो है 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की जो एनर्जी बीम थी उसे भी सह पाया, जो कि किसी के बस की बात नहीं है। और ऊपर से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर ही ऐसा अकेला करेक्टर था जिसने थैनोस को डैमेज पहुंचाया, मतलब इतना ज़्यादा डैमेज। एक बूंद खून तो आयरन मैन ने भी निकाला था, पर इतना ज़्यादा डैमेज और कोई नहीं पहुंचा पाया। तो इसीलिए थॉर है नंबर वन पे, और मैं विश करता हूँ एवेंजर्स 4 में थॉर ऐसे ही कारनामे करते रहे और वो ना मरे। मैं तो चाहता हूँ कोई ना मरे, पर क्या करें, कैप्टन अमेरिका यानी कि क्रिस इवांस मानते ही नहीं। तो चलो इन बातों का भी छोड़ते हैं। ये थी हमारी टॉप 10 की वीडियो। मुझे पता है आपकी इसमें से राय अलग होंगे, तो अगर आपकी राय अलग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दें लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब।